24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चार लोगों की जघन्य हत्या करने वाले 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। लाल बर्रा के छिंदलई रेत घाट में हत्या के बाद छुपा दिए थे शव। टेकारी सरपंच पर प्राणघातक हमला, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। कार्य में लापरवाही, 2 प्रधान आरक्षक निलंबित, रिपोर्ट दर्ज करने में की थी देरी। लालबर्रा के बकौड़ा में वाहन से व्यक्ति की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने लगाए प्रदेश शासन पर आरोप। सामान्य सभा की बैठक में नहीं पहुंची जिला पंचायत सीईओ, सदस्य और अध्यक्ष ने जताया विरोध। वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल की पहल, छात्रों ने बनाए पुराने कपड़ों से बैग, पॉलीथिन मुक्त भारत में सहयोग की अपील। और अब खबरें विस्तार से। शहरी और ग्रामीण इलाकों के घरों में मीटर वाचक के न पहुंचने की शिकायत को दूर करते हुए विद्युत वितरण कंपनी ने उनके मोबाइल को सीधे जीपीएस सिस्टम से जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे कंपनी अधिकारियों को तत्काल मीटर वाचक के संबंधित उपभोक्ता के मकान पर पहुंचने पर लोकेशन मिल जाएगी। ये खासकर ग्रामीण भुगतान की शिकायत दूर करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार पूरे जिले में लगभग 1.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर 2 सैकड़ा मीटर वाचक है। उनके मोबाइल पर सॉफ्टवेयर पर मोटर पर अंकित खपत यूनिट की फोटो खींचकर रीडिंग की जाएगी। ग्रामीण इलाकों से आ रही शिकायत आती है कि मीटर वाचक समय पर उपभोक्ताओं के घर नहीं पहुंचते, कई महीने रीडिंग नहीं होती, एक साथ रीडिंग होने पर हजारों रुपए का बिल पहुंच जाते हैं। इससे उपभोक्ताओं को भुगतान में परेशानी होती है। समस्या को देखते हुए कंपनी के द्वारा मीटर वाचक के मोबाइल में जीपीएस सिस्टम डालने की तैयारी हो रही है। इस दौरान जानकारी मिल रही है कुछ मीटर वाचकों के मोबाइल को जीपीएस से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस योजना पर जिले के विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी बताते हैं कि उन्हें पत्र के माध्यम से जानकारी मिल चुकी है कि जल्द ही सभी मीटर वाचकों के जीपीएस से जोड़ने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में छात्राएं पढ़ाई के लिए एडमिशन लेती है, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी समस्या महाविद्यालय का स्वयं का छात्रावास नहीं होना और महंगे किराए के मकान की होती है। ऐसा नहीं है कि छात्रावास निर्माण के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के द्वारा पहल नहीं की गई। वर्षों पहले राशि का आवंटन किया गया, अधूरे निर्माण के बाद राशि नहीं जारी की गई। नतीजा वर्षों से शहर के आकाशवाणी के निकट छात्रावास अधूरा पड़ा हुआ है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव अब इसे पूर्ण करवाने की तैयारी करवा रहे हैं। नहीं, पीजी कॉलेज का गर्ल्स छात्रावास जो है यूजीसी से सैंक्शन था और लगभग 40 लाख का अधूरा निर्माण कार्य हो चुका है। किन्हीं कारणों से हमको जब दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं मिला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भोपाल से, तो वो काम जो है रुक गया। तो जब दूसरी किस्त मिली तो लेट हो गए थे, तो हाउसिंग बोर्ड निर्माण एजेंसी है उसने जो है एस्टीमेट को रिवाइज किया है। तो जो और अतिरिक्त धनराशि थी वो जनभागीदारी समिति पीजी कॉलेज बालाघाट की और जिला योजना माननीय कलेक्टर महोदय जिला योजना के सहयोग से राशि लगभग 50 लाख जो है हाउसिंग बोर्ड के पास जमा की गई है। और जो हम लोगों ने मतलब करंट में जानकारी ली है कि उन्होंने जानकारी दी कि टेंडर हो चुका है और अब निर्माण कार्य आगे शुरू है। कब तक शुरू होने की संभावना है? नहीं, उन्होंने तो मतलब प्रोसेस कर दी है, तो अब ठेका यदि हो जाता है तो जैसे हम लोग एक दिन बीच में गए थे वहाँ तो उन्होंने वहाँ की सफाई वगैरह शुरू की और काम शुरू करने की स्थिति में है। सर कितने लाख का प्रोजेक्ट है ये? कुल प्रोजेक्ट इस समय वो हो गया लगभग 1,30,000 1,30,00,000 का। पहले वो 80,000 का था, फिर 50,000 समझ लीजिए कॉस्ट और बढ़ी, 50 लाख, तो 1,30,00,000 लगभग। सर कितनी बच्चों के स्टेंट है वो? 50 सीटर, 50 सीटर्स हैं। 50 सीटर है और उसमें साथ में वार्डन का क्वार्टर है। 1 अक्टूबर को भगवान अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज के द्वारा अग्रसेन भवन में 22 सितंबर से विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 27 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर के दौरान 2 दर्जन से अधिक महिला पुरुष और युवतियों ने रक्तदान किया और समाज के सभी वर्गों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। अग्रवाल समाज के वरिष्ठ सदस्य सत्यनारायण अग्रवाल बताते हैं कि बीते वर्षों से रक्तदान शिविर को लेकर महिलाओं में बहुत अधिक जागरूकता आई है। हर वर्ष वहाँ संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे अग्रवाल समाज के पूजा माननीय कृष्ण जी महाराज की जयंती का पर्व चल रहा है। उस पर्व में 22 तारीख से हमारे कृष्ण भवन में विविध कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी कार्यक्रम में हर साल जो हमारा रक्तदान का कार्यक्रम रहता है, उसी कार्यक्रम के तहत आज रक्तदान शिविर चल रहा है। इसमें करीबन 25 यूनिट ब्लड डोनेट किया जाएगा। हर साल करीबन 20 से 25 ब्लड डोनेट किया जाता है। इसमें महिलाएँ भी भाग ले रही हैं। बड़ी बात यह है कि जागरूकता ऐसी बढ़ रही है, हर साल मैं देखते जा रहा हूँ कि हर साल दो तीन महिला बढ़ते जा रही है। इससे एक तो लोगों में जागरूकता बढ़ रही है कि ब्लड दान रक्तदान हमें करना चाहिए। रक्तदान करने से कोई परेशानी नहीं होती और शहर में और नागरिकों के बीच में से जागरूकता आती है। और इसके आगे और क्या कार्यक्रम आएंगे? आज रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कल दोपहर में भी महिलाओं के कुछ कार्यक्रम रहेंगे और परसों 29 तारीख। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण वन मंडल परिक्षेत्र में आने वाले ओदा के रानी झूला पहाड़ी में जंगल में भालू ने एक व्यक्ति पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपाल कुंजाम 27 सितंबर की सुबह रानी झूला की पहाड़ी पर जंगलों में पिहरी तोड़ने के लिए गए हुए थे। इस दौरान अचानक 2 भालू ने गोपाल कुंजाम पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर स्थिति में इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब इनको रीच ने हमला कर दिया। कहाँ पर? जंगल में। क्यों गए थे आप लोग जंगल? पिहरी के लिए। अच्छा, पिहरी के लिए। कौन से जंगल की बात हुई है? रानी झुलना पहाड़ी में। कौन से? रानी झुलना पहाड़ी। अच्छा, वहाँ गए थे। तो ये हमारे साथ वाले मेरे को फोन किए तो कहते हैं कि कोई दूसरा मरा लड़का है करके फोन किए, तो वो आदमी को देखा तो खेत में था, तो फिर फोन आया कि गोपाल भाव है करके, तो इनने फोन किए तो इनको सबको इनको बुला के ले गया हूँ मैं। कितने बजे की बात है फिर? अभी 7 बजे। कितने भालू थे? 2। जानकारी मोबाइल द्वारा मिली थी, तत्काल जैसी जानकारी मिली तुरंत पहुँचे हम, तो उतने में एम्बुलेंस लेकर के आप हॉस्पिटल आ रही थी। क्या जानकारी मिली थी? कि यानी कि ओदा में किसी को भालू द्वारा काट दिया गया है, तो तत्काल उसकी जानकारी जैसे प्राप्त हुई तुरंत में जब गए हम, तो उतने में एम्बुलेंस पे उनको हॉस्पिटल लाया जा रहा था, तो हमने हॉस्पिटल को एम्बुलेंस रोके नहीं ताकि तत्काल उपचार तुरंत हो। उसके बाद ही हम यहाँ आ करके उनसे भेंट किए हैं और कार्रवाई हो। अभी वर्तमान में कितना मुआवजा राशि दे रहे हैं? वर्तमान में तो अभी इनको 1000 रुपये हम देंगे। उसके बाद शासन से जो भी इनका ट्रीटमेंट में लगेगा वो शासन। अनुमानित कितना मिल जाता है इस मरीज को? अब ऐसा तो कुछ ये नहीं है, जैसा अभी यहाँ पे एडमिट रहेंगे चाहे जितने दिन रहेंगे, पर डे का इनको 500 रुपये दिया जाता है। अच्छा, ये चाहे 8 दिन 10 दिन जो भी रहे यहाँ, उतना शासन भुगतान करेगी उनका। अच्छा। कहते हैं भारत गांव में बसता है, इसलिए गांव का विकास भारत का विकास है। इसी कड़ी में यहाँ प्रशिक्षण कार्य दिया जा रहा है। पंचायत समन्वयक दिलीप सांडिले बताते हैं कि ग्राम पंचायत के विकास में सारे विभागों का सामंजस्य, इसलिए ग्राम पंचायत में सारे विषय जल, जंगल, जमीन, रोजगार, विकास, सामाजिक सुरक्षा सभी शामिल किए गए हैं। देखिएगा, ये शासन ये चाहती है कि ग्राम पंचायतों के विकास में सारे विभागों का सामंजस्य हो, और इसलिए ग्राम पंचायत में सारे जो हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो ईंधन से संबंधित हो, वन से संबंधित हो, निर्माण से संबंधित हो, लोगों की सामाजिक जो सुरक्षा से संबंधित हो, ये सारे विषय उसमें समाहित होना चाहिए। इसलिए ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए आज हमारे जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो 5 लोगों को हम एक ग्राम पंचायत से प्रशिक्षित करना जा रहे हैं, उनकी आज यहाँ पर जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण इसके लिए बुलाया गया था। प्रत्येक ग्राम पंचायत से 5 लोगों को बुलाया गया, और ये ट्रेनिंग हमारी विभिन्न चरणों से होती हुई लगभग 14-15 लगातार चलेगी। सर, क्या क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? इसमें हम यही बता रहे हैं कि आपकी भूमिका क्या है, और आपको ग्राम पंचायत में भ्रमण करके जो वहाँ आवश्यक चीज़ें, जो वहाँ की बुनियादी आवश्यकता है, उनको संकलित करना है और उसको एक कार्ययोजना के रूप में ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्तुत करना है,
और आगामी शासन जब भी हमको तिथियां देंगी उन ग्राम सभाओं में इसका अनुमोदन करा के शासन को सौंपूंगा। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक के दौरान शुक्रवार को जिला पंचायत की सीईओ रजनी सिंह के नहीं पहुंचने पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित जिला पंचायत सदस्य बहुत अधिक आक्रोशित हो गए और उन्होंने जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जारी कर दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा भिशेन के अनुसार जिला पंचायत सीईओ बीते दो बैठकों में अनुपस्थित रही, जिस कारण सभी सदस्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा परफॉर्मेंस की राशि का उपयोग केवल बाढ़ राहत और पीड़ितों के लिए किए जाने के लिए बाध्य किया गया है, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं दिखाई देता। मैडम पहली बैठक में तो आई, उन्होंने अच्छा मतलब अच्छे से बैठक वगैरह ली दोनों बैठक, लेकिन पिछली बार से हम देख रहे हैं कि दूसरी बैठक में मैडम नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें फ़ोन करके बताना चाहिए कि मैं आ सकती हूँ या नहीं आ सकती। पिछले बार भी हमने बिना मैडम के पूरी बैठक की है, आज भी दूसरी बैठक है, तीसरी बैठक इसमें भी हम लोग बैठे हैं। सामान्य प्रशासन की मतलब बैठक है, इसमें कई मुद्दे बहुत ही मतलब अहम मुद्दे होते हैं, और ऐसी स्थिति में यदि हम पूरे इतने दूर दूर से 100-150 किलोमीटर दूर से आते हैं हमारे सदस्य, तो उनका तो कुछ रह नहीं जाता है ना। देखिए क्या है कि वही तो बैठक का कोई है ना मतलब उतना वो नहीं समझ आता, हालांकि हम लोग समीक्षा कर ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जो प्रस्ताव है तो उसके ऊपर फिर मतलब अमल होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो क्या बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं आप? बहिष्कार नहीं करते हम, बहिष्कार करना कोई मतलब नहीं, हम तो बैठे रहेंगे डटे रहेंगे, लेकिन सभी माननीय सदस्यों ने निंदा प्रस्ताव लिया। निंदा प्रस्ताव जी, निंदा प्रस्ताव लिया। जिला पंचायत की उपाध्यक्ष अनुपमा नेताम सीधे सीधे मध्य प्रदेश शासन पर आरोप लगाती है और बताती है कि वे हर क्षेत्र में ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग हैं जिनको मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना की राशि का भुगतान महीनों बाद भी नहीं हो पाया है। तो ऐसा ही एक मामला है हमारे गढ़ी का, गढ़ी के कुकर्रा का। कुकर्रा की एक लड़की है समारोह बाई, और वो लड़का है कोयली खापा का है लड़का, उसको बकायदा उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसको पगड़ी दी गई, उनको सामान दिया गया लड़के को भी और लड़की को भी, और आज 9 महीने बाद भी उन लोगों को पैसे अप्राप्त है। जब वो जनपद में जा रहे हैं तो जनपद वाले कह रहे हैं कि आपका पंजीयन ही नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने अभी जैसे कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने धरना प्रदर्शन हम लोगों ने तहसील स्तर पर किया था, उस पर वो दोनों आए थे, पूरे पगड़ी और पूरे शादी का जितना सामान जनपद के माध्यम से मिला था उसको लेकर आए थे। तो हमने SDM साहब को दिया और इस बात को कहा कि यदि पंजीयन नहीं हुआ था तो ये सामान कहाँ से आया। ऐसे कितने जोड़े है? ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं, इनको पूरे जिले में है, और सरकार कह रही है कि इनका पंजीयन नहीं हुआ है। तो आप बताइए इस प्रकार का भी छलावा सरकार कर रही है। आज आज ये बताइए कि आज सीओ मैडम नहीं आई है, आप सभी सदस्यों ने क्या किया है इस पर? हम सभी सदस्यों ने निंदा प्रस्ताव किया है, और देखिए क्योंकि दूर दूर से आए हैं तो अपनी बात को तो रखना भी पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने इस विषय पर जब पद्मेश न्यूज की टीम ने दूरभाष पर जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वहां आवश्यक मीटिंग में बाहर गई हुई है, इसकी पूर्व में सूचना उनके द्वारा दे दी गई थी। रही बात परफॉर्मेंस राशि की बाढ़ राहत और पीड़ितों के लिए खर्च किए जाने की, तो उनके द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों की मांग और शिकायत वरिष्ठ स्तर पर पहुंचा दी जा रही है। दिव्यांगों को सेवाएं प्रदान करने की अहम मकसद को लेकर जिले में जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है, लेकिन इस केंद्र में आने वाले दिव्यांगों को विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने में काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि जिले के हजारों दिव्यांगों के लिए केवल शासन स्तर पर एक ही निःशक्त पुनर्वास केंद्र है, जिसके कारण दिव्यांगों को जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए केंद्र में आना पड़ता है, जहां उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र में 100 से अधिक दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे, जिन्हें पंजीयन कराने में काफी दिक्कतें आई। इस दौरान दिव्यांग लंबी लाइनों में खड़े होकर अपना नंबर आने का इंतजार करते रहे। दिव्यांगों ने बताया कि वहां सुबह से ही लाइन पर लगे हुए हैं, लेकिन उनका नंबर अभी तक नहीं आ पाया। वहीं हम होंगे कामयाब निःशक्त सेवा संगठन के अध्यक्ष यतीन तिलासे ने बताया कि जिले में दिव्यांगों के लिए केवल मुख्यालय स्तर पर ही निःशक्त पुनर्वास केंद्र है, जिसके कारण काफी संख्या में दिव्यांगजन अपनी समस्याओं को लेकर यहां पहुंचते हैं। शासन प्रशासन को विकास खंड स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि दिव्यांगों को मुख्यालय आने की आवश्यकता ना पड़े। ये DDRC में दिव्यांगजन लोग अपना सर्टिफिकेट विकलांग सर्टिफिकेट बनाने आते हैं, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ का कारण मुख्य ये है कि बाकी जो ब्लॉक है
जिसमें DDRC नहीं होने के कारण जिले के विभिन्न विकलांग इस DDRC बालाघाट में आते हैं, जिससे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, मेरे हिसाब से व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि हर ब्लॉक में इसका DDRC का होना जरूरी है। वहीं इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र के प्रशासनिक अधिकारी राजेश चौरे ने बताया कि जिला मुख्यालय में जिला निःशक्त केंद्र के माध्यम से दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनवाए जाते हैं। वर्तमान में इसका कोई विकल्प मौजूद नहीं है, प्रमाण पत्र जिला अस्पताल की मदद से ही बनाए जा सकते। ग्राम पंचायत हीरापुर के ग्रामीणों ने आज जिला पंचायत पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पिछले कई वर्षों से सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, वहीं मंच का भी निर्माण मशीन के माध्यम से कराकर ग्रामीणों को मजदूरी से वंचित कर दिया गया, जिसके कारण ग्राम का विकास कार्य पूरी तरह से ठप्प पड़ गया है। उन्होंने जिला पंचायत एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि ग्राम में बेहतर व्यवस्थाएं कराई जाए। समस्या बहुत सारी सर हमारे वार्ड में और गांव में भी समस्या है। अभी आप आके जी देखेंगे मौके स्थल पे तो पूरा कीचड़ ऐसा हो गया है कि हमारे वार्डों में जाना मुश्किल है। गाड़ी फिसल सकती, कई लोगों के हाथ पर टूट चुके हैं, एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी फिसलने से। और इसके अलावा अन्य समस्या कचरे वचरे फेंकने की सुविधा नहीं है और नाली वाली भी कई जगह नहीं बनी है। यानी विकास कार्य अभी भी अधूरा ही है, 5 साल बीतते रहे सरपंच काल के पंचायत काल के। अच्छा ये बताएं, जैसे कि अभी पंचायतों में जो काम करवाए गए हैं सरपंच और सचिव महोदय के द्वारा, तो आपके द्वारा कभी उनको ये संज्ञान में नहीं लाया गया इन समस्याओं? सब बातें लाई गई है सर, पर वो आवेदन वगैरह भी किए हैं पर वो अपने अनुसार ही चला रहे हैं। कौन सरपंच? हमारे यहाँ सिर्फ पवन मरकाम। उनसे बात नहीं की आपने? हमारे वार्ड में रोड नहीं बना है और मंच भी नहीं बना है, हमको आने जाने के लिए बहुत तकलीफ है। हम अभी भी घर रात में जा नहीं सकते, कहीं भी गिर जाते हैं, और हमारे घर जाते हैं तो टोमरा भर की चला है। हमको ये बहुत समस्या है, हमारे वार्ड में रोड बनना चाहिए और मंच बनना चाहिए, हमको बहुत तकलीफ। नगर के अम्बेडकर चौक स्थित पुरातत्व संग्रहालय में आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिन्हें विश्व पर्यटन दिवस के महत्व सहित आवश्यक जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के संबंध में संग्रहालय के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गरवार ने बताया कि आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं को आमंत्रित किया गया था, जिन्हें पर्यटन दिवस के महत्व और उससे जुड़ी जानकारियों से अवगत कराया जा रहा है। आज पुरातत्व संग्रहालय में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, जहाँ पर हमने कमला नेहरू महाविद्यालय के छात्राओं को आमंत्रित किया, उन्हें बालाघाट जिले के पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी दी जा रही है और विश्व में क्या धरोहर है उसके बारे में अवगत कराया जा रहा है, और उन्हें एक प्रेरणा दी जा रही है कि पर्यटन दिवस किस तरह से मनाया जाता है। आज बालाघाट जिले में बहुत संरक्षित पर्यटन स्थल है जो अभी तक संरक्षित नहीं हुआ है। लालबर्रा में भी जगत जननी आदिशक्ति माता रानी दुर्गा जी की आराधना का 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र पर्व 29 से मुख्यालय सहित पूरे ब्लॉक में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों में जुटे मूर्तिकारों के द्वारा जगत जननी माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को सुंदर स्वरूप देने का कार्य किया जा रहा है। नगर मुख्यालय में ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा के वार्ड क्रमांक 17 कुम्हारी मोहल्ला पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि मूर्तिकारों के द्वारा माँ दुर्गा जी की प्रतिमाओं को मनमोहक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है, जिसमें परिवार के छोटे से लेकर बड़े सभी वर्ग के सदस्य हाथ बटा रहे हैं, जिसके बाद रंग रोगन का कार्य नवरात्र पर्व के एक दिन पूर्व तक पूर्ण कर लिया जाएगा। ये करीब में 25 साल हो गया पूर्ण तैयारी हो चुकी है, कल शाम तक यानी पूरी मूर्ति कंप्लीट भी हो गई। हाँ पूरी मूर्तियाँ आठ। इस वर्ष महंगाई को लेकर क्या? महंगाई को लेकर के देखो बहुत सारे अंतर आए हैं, समितियों में चंदा जहाँ के वहीं बरकरार है, लेकिन खर्चा थोड़ा डिफेंस तो हुआ है, कुछ मूर्तियाँ कम आने वाइटिंग मूर्तियों को
कब से कर रही हैं आप काम अपने लिए? 20-25 साल से। आपके पिताजी हो गए? पिताजी। तो आपके पिताजी के कार में आप हाथ बटा रहे हैं? कलर पेंटिंग वगैरह मूर्तियाँ बनाना बना लेते हैं आप? हाँ, हाथ बटा रहे हैं। शुक्रवार को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेस से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश शासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाढ़ राहत राशि वितरण करने में देरी हो रही है। शासन द्वारा नगरपालिका चुनाव में परिवर्तन करने का फैसला उचित नहीं है। नगरपालिका के चुनाव के संबंध में, नगर निगम के चुनाव के संबंध में इन्होंने एक नई नीति बनाकर घोषणा की कि अब पार्षद जो है नगर निगम के मेयर को चुनेंगे और नगरपालिका के अध्यक्ष को चुनेंगे। क्यों कर रहे आप? जो पहले तो चल रहा था, जब कांग्रेस सरकार ने इसको लागू किया था कि डायरेक्ट अध्यक्ष का चुनाव और मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता करेगी, इसको क्यों बदल दिया आपने? आपको डर किस बात का हो गया? डर उनको इस बात का है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है और डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो सोचते हैं कि हम पार्षद को लाएंगे, पार्षद खरीद फरोख्त होगी और खरीद फरोख्त करके अपनी हम बना लेंगे मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष। इसी तरह जिले के बिरसा क्षेत्र में बीते दिनों एक व्यक्ति की कुएं में गिरकर हुई मौत पर संदेह व्यक्त करते हुए पुनः जांच की मांग की है। पुलिस को उन्होंने शिकायत की, ये मामला है 31 अगस्त, पुलिस को शिकायत की, थाने में शिकायत की है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और एसपी को भी शिकायत कर दी, मुख्यमंत्री को शिकायत की है, गृह मंत्री की, सबको शिकायत कर दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो परेशान है, यहाँ वहाँ घूम रही, न्याय के लिए श्री मुंजारे ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा नहीं दे रही है। प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की राशि बहुत कम है। मुआवजा देने की बात को चला रहे हैं, एक हेक्टर पर जहाँ पूर्ण क्षति होगी तो एक हेक्टर पर बोल रहे हैं कि हम जो है 30,000 का हम मुआवजा देंगे एक हेक्टर पर, मतलब 2.5 एकड़ पर। एक एकड़ पर आया 7,000, तो 7,000 आ रहा है, जब पूरी क्षति होगी तब वो 7,000 देने की बात कर रहे हैं। जबकि एक एकड़ में धान जो सरकारी जो मापदंड है उसके हिसाब से धान की पैदावार होती है करीब 20 क्विंटल, 20 क्विंटल मतलब होगी वो 30,000 की, एक एक एकड़ में क्षति हो रही है 30,000 की, वो मुआवजा देने की बात कर रहे हैं सिर्फ 7,000। वहीं आगामी दिनों में होने वाले नगरपालिका चुनाव में शासन द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया में बदलाव को लेकर श्री मुंजारे ने कांग्रेस और भाजपा दोनों का मिला हुआ गठबंधन बताया। मुझे लगता है कि इन्होंने भाजपा से कुछ सेटिंग कर ली, कमलनाथ सरकार ने उनको सेटिंग ये कर दी कि भाई नगरीय सरकार तुम बना लो और राज्य की सरकार हमारी चलने दो, नगरी सरकार तुम बना दो। ये नगरी सरकार है ना, मतलब स्थानीय शासन, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये स्थानीय शासन है, तो नगरी सरकार तुम चलाओ और राज्य सरकार हम चलाएंगे, ऐसे बंटवारा उन्होंने कर लिया है, ये लोगों में बात चल रही है और मेरे भी हिसाब से ऐसा ही किया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाली है, कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। इसी तरह पूर्व सांसद श्री मुंजारे ने बीते दिनों जिले के बिरसा थाना अंतर्गत छोटी सुरवाही निवासी परसराम उइके की मौत पर सवाल उठाए। इस संबंध में मृतक परसराम के परिजनों ने श्री मुंजारे से मुलाकात की और पूरा घटनाक्रम बताया कि परसराम की मृत्यु कुएं में डूबने से हुई है, जो आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। इस मामले की पुनः जाँच की जानी चाहिए। जिले के इतिहास में सबसे जघन्य अपराधों में से एक लालबर्रा थाना अंतर्गत छिंदलई गांव के रेत घाट में 3 लोगों की हत्या कर उन्हें बोरी में बंद करके रेत में गड़ा दिया गया था। इन सभी मृतकों के शव को कुछ रोज बाद बरामद किए गए थे। इस सब पूरे मामले पर शुक्रवार को प्रकरण वारासिवनी कोर्ट में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की अदालत में चल रहा था, जिसमें 27 सितंबर 2019 को हत्या के आरोप में सभी 9 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 8 पुरुष आरोपियों को 10,000 रुपए जुर्माना, महिला आरोपी केसरबाई को 9,000 रुपए जुर्माना के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत पिपरिया छिंदलई निवासी 60 वर्षीय भागवत पिता गुड़नलाल ठाकरे, 35 वर्षीय किशन पिता भागवत ठाकरे, 58 वर्षीय केसरबाई पति भागवत ठाकरे ने अपने 6 रिश्तेदारों के साथ मिलकर 3 और 4 अक्टूबर 2011 की दरमियानी रात में अपनी पहली पत्नी के पुत्र
धनाराम पिता भागवत ठाकरे, बहू संजना धनाराम ठाकरे, ममता और बहू के भाई अरुण पिता सैंदलाल राहंगडाले की हत्या की थी। इस दौरान लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम पेपरिया से 3 और 4 अक्टूबर 2011 की दरमियानी रात में ठाकरे परिवार के 4 लोग रहस्यमय ढंग से लापता हो गए थे, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना लालबर्रा में दर्ज कराई गई थी और कार्यवाही न होने पर ग्रामीणों के द्वारा बड़े अधिकारियों से चर्चा कर ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसके बाद तफ्तीश में जुटी लालबर्रा पुलिस ने घटना के कुछ दिन बाद नदी में शव होने की सूचना मिली थी। उत्खनन की कार्यवाही की गई, जिसमें 4 लाशें 11 अक्टूबर 2011 को मिली थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर सघन जांच प्रारंभ की। इस मामले में लालबर्रा पुलिस ने पिपरिया छिंदलई निवासी भागवत पिता गुणनलाल ठाकरे 35 वर्षीय, किशन पिता भागवत ठाकरे 58 वर्षीय, केसरबाई पति भागवत ठाकरे बहेगांव निवासी 50 वर्षीय, युवराज पिता सरादू पटले छिंदलई निवासी 28 वर्षीय, अनिल पिता शिवलाल चौधरी 40 वर्षीय, मृतक मोहनलाल पिता फकीरलाल ठाकरे भालीवाड़ा निवासी 28 वर्षीय, संतोष पिता तिरुपति ठाकरे धारणा निवासी 40 वर्षीय, संतोष पिता मनीराम राहंगडाले 50 वर्षीय, फूलचंद पिता दबन ठाकरे के खिलाफ हत्या करने, साक्ष्य छुपाने और आपराधिक षड्यंत्र का अपराध सिद्ध दोष पाते हुए आरोप पत्र तैयार कर चालान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वारासिवनी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से प्रकरण सेशन ट्रायल होने से आवश्यक औपचारिकता पूर्ण होने के बाद सुनवाई के लिए प्रथम अपर सत्र न्यायालय वारासिवनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामला ये है, छिंदलई हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध ये मामला था। कब का मामला था? और ये 2012 का मामला था। घटना हुई 2011 में एफआईआर, और मामला रजिस्टर्ड हुआ था 2012 में। क्या मामला था? 4 लोगों की हत्या पिता ने, माँ ने, भाई ने और उसके सहयोगी ने मिलकर अपने सगे लड़के, बहू, साली और साला, ऐसे 4 लोगों की मिलकर हत्या की और हत्या करके महकारी नाले में उनके शव को गड़ा दिया गया था। बहुत जघन्य हत्या अपराध था, जघन्य हत्या का मामला था और सबको आजीवन कारावास की सजा आज माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है और सभी आरोपी को 10,000 रुपये जुर्माना। केवल एक आरोपी केसरबाई जो थी, जो मृतक घनाराम की माँ, उसको 9,000 रुपये जुर्माना। ऐसा क्या कारण था कि दुर्दांत रूप से हत्या की? ये प्रॉपर्टी को लेकर मामला था। ये भागवत का पहली पत्नी का लड़का था घनाराम, और वो प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाह रहा था, और ये उसकी दूसरी पत्नी केसरबाई जो थी, उसके लड़के उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा देना नहीं चाह रहे थे और वो अपने हिस्सा मांग रहा था। इसी पर से इनके बीच में काफ़ी विवाद था, इसी विवाद पर से उसको घर से भी निकाल दिया गया था। वो कई दिन तक बालाघाट में रहा, नागपुर चले गया, नागपुर से आया, उसके बाद आने के बाद फिर पंचायत हुई, पंचायत होने के बाद गांव के लोग बैठे और उसको कुछ 1 एकड़ जमीन दिया था उसको, और उसके बाद उसको जमीन नहीं देना चाह रहे थे और वो अपनी जमीन में बराबर का शेयर मांग रहा था। इसी बात से मिलकर घर के अंदर इनकी हत्या, मिलकर प्री प्लान 10 लोगों ने मिलकर हत्या की। ये मामला टोटल जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर मतलब ये निर्भर था, और इसमें कहने का मतलब जो क्राइम सीन जो है, क्राइम सीन प्लेस जो है, वो सिद्ध नहीं हुआ था। कोई इस प्रकरण में कहने का मतलब यह है कि कोई आई विटनेसेस नहीं थे, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर माननीय न्यायालय ने आज इस प्रकरण में कहने का मतलब अपना निर्णय सुनाते हुए आजन्म कारावास की सजा दिया। दंड के प्रश्न पे जब हमसे सुना गया तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन के अधिवक्ताओं ने कहना पुरजोर अपील किया कि इनको फांसी की सजा दी जाए, और उसमें अनुप चौबे साहब और मिस्टर कहने का पूरे AGP जो है मुकुंद राव, उन्होंने ये अपील किया कि इन्हें फांसी दिया जाए। इस प्रकरण में कहने का मतलब यह है कि मैंने और सीनियर एडवोकेट जो है KM कुरैशी साहब, उन्होंने पैरवी किया, शुरू से लेकर आज तक हम लोग इस प्रकरण को पैरवी किया है, और हम तो माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, अब उस पर टीका टिप्पणी का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। लालबर्रा में बरसात के सीजन में कुदरती तौर से पैदा होने वाली पिहरी की बाजार में आवक बढ़ने से आसमान छू रहे पिहरी के भाव में कमी आ गई है। आपको बता दें कि नगर मुख्यालय में प्रतिदिन लगने वाले गुजरी बाजार में 27 सितंबर को मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत टेकाड़ी सहित वनांचल क्षेत्र के ग्रामीण बंधु जंगलों में बांस की भीड़ी में पैदा होने वाली पिहरी को बेचने के लिए पहुंचते थे। कैसे कैसे अपना नहीं दिखता तो 80 भी है, 90 भी है,
सौ और जैसे फड़ लगाए फड़ की फड़ के हिसाब से अभी इस 15 पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जैसे पीरी लेट नहीं अभी लेट निकले यहाँ से हर वर्ष मतलब हर वर्ष यहाँ से लेट निकले क्या कारण है इस वर्ष मतलब लेट पीरी अब कारण क्या मालूम भैया पहले पानी नहीं गिरा तो पानी के कारण निकल जाते पानी नहीं गिरा तो नहीं निकले बाद पानी गिरा तो बाद में निकले। आपको बता दें कि इस वर्ष मानसून के लेट लतीफी के कारण प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त माह में पैदा होने वाली पेहरी की आवक नहीं के बराबर थी जिससे पेहरी के दाम आसमान छू रहे थे और 200 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से लोगों को पेहरी खरीदना पड़ता था। लेकिन विगत दिनों से बदले मौसम के मिजाज के चलते जंगलों में भारी मात्रा में पेहरी उत्पन्न हो रही है जिसे वनांचल क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा लाकर बाजार में विक्रय किया जा रहा है जिससे पेहरी के दामों में कमी आ गई है। इनकी ज्यादा आने लगी है पेहरी। तभी क्या रेट चल रहा है? अभी वही है 20 रुपए भाव बेच रहे हैं। 50 में तीन भी दे रहे हैं। अभी जैसे 2-3 दिन पहले 200-250 रुपए किलो बिक रही थी, क्या कारण था? 200 रुपए किलो कम आती थी, अभी आवक बढ़ गई। कहाँ के जंगल से ला रहे हैं आप? गाड़ी के अभी की तरफ जाते हैं पहाड़ी। वारिसिंह नगर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंगल भवन में 27 सितंबर को वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति वारिसिंह की आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में किसान सदस्यों के द्वारा कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया जिसके बाद वार्षिक आम सभा में संस्था प्रबंधक एमएल पंचेश्वर के द्वारा वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया गया कि संस्था को वार्षिक लाभ एवं संचित हानि हुई है जिसका विस्तार पूर्वक ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। साथ ही आगामी वर्ष के लिए तैयार किया गया बजट अनुमोदित किया गया जिसमें वार्षिक रिपोर्ट पर विचार भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश शासन के संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने कर्ज माफी की ओर सोचा तक नहीं और आज उसी कर्ज माफी को लेकर सवाल उठा रही है। भाजपा ने उद्योगपतियों का हजारों करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया। अबे ऋण माफी का आप सबके सामने कई बार आती है, अबे हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है दूसरा चरण जो है और उसका हमारे उन किसानों का 2 लाख वाला कर्जा जो है माफ किया जाए, ये दूसरा चरण जो है चालू हो जा रहा है। बहुत लोग आप लोगों को दुष्प्रचार करते हैं, आप लोगों को भ्रमित करते हैं कि कांग्रेस पार्टी या हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है किसानों का कर्जा माफ करने वाला नहीं है। सरकार झूठ बोल रही है, सरकार ऐसा कर रही है, बनवाने का काम। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर 2 प्रधान आरक्षक राजेश्वर राहंगडाले और जेम्स नायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 18 सितंबर को दिन के समय भटेरा चौकी स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर से अन्नपूर्णा प्रतिमा चांदी का मुकुट और छत्र चोरी हो गया था जिसकी शिकायत उसी दिन शाम को कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद कोतवाली में तैनात प्रधान आरक्षक राजेश्वर राहंगडाले और जेम्स नायक ने मंदिर में चोरी की वारदात को गंभीरता से लेते हुए कार्य के प्रति लापरवाही बरती। चोरी की रिपोर्ट 7 दिन बाद दर्ज की गई। इस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा लापरवाही बरतने के मामले में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया। भरवेली थाना अंतर्गत बैहर रोड धनसुआ पाइप फैक्ट्री के पास ग्राम पंचायत टेकाड़ी के सरपंच रमेश राउत को आधा दर्जन से अधिक लोगों ने रोककर प्राण घातक का हमला कर दिया जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार 26 दिसंबर की शाम करीब 6:30 बजे यह घटना उस समय हुई जब सरपंच रमेश राउत मोटरसाइकिल से बालाघाट से अपने घर पीपर टोला जा रहे थे। इसी दौरान मानेगांव और धनसुआ के बीच पाइप फैक्ट्री के पास राकेश चाटी और साथियों ने मिलकर रमेश राउत पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार रमेश राउत शुक्रवार को न्यायालय में किसी काम से आए हुए थे, इसी दौरान राकेश चाटी से उनका विवाद हुआ था। इसका बदला लेने राकेश चाटी ने उन पर प्राण घातक हमला कर दिया। पुलिस द्वारा राकेश चाटी और अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक बार फिर हमारे समाज के उत्थान और विकास के शिल्पकार शिक्षकों ने 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली पॉलिथीन मुक्त भारत की मुहिम में अपनी बड़ी भूमिका का लोहा मनवा लिया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट की।
2 अक्टूबर से पहले यहाँ के शिक्षकों के मन में आया कि क्यों ना पॉलीथीन मुक्त भारत में अपनी अहम भूमिका अदा करें। इसके लिए उन्होंने स्टाफ रूम में बैठकर प्लानिंग की और 27 सितंबर को इसका एक डेमो दिखा दिया। उन्होंने अपने छात्रों को पॉलीथीन से दूर रहने और घर के अनुपयोगी कपड़ों को थैली का स्वरूप देकर 2 अक्टूबर को वितरण करने की बात कही। छात्रों को यह बात इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने अपने घर में खाली पड़े खराब कपड़ों से थैले तैयार कर ला लिए। थैले बनाने के लिए हमारे स्कूल के टीचर है मिस्टर अशोक चौबे सर ने प्रेरित किए थे और अभी जो महात्मा गांधी जी का 150वीं जयंती उसमें हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं जिसमें हम अच्छा, बेटा ये बताइए, चलिए ठीक है, 150वीं जयंती है गांधी जी की, गांधी जी का बहुत अच्छा संदेश नारा था कि एक स्वच्छ भारत का एक सपना भी दिखा था उन्होंने। अच्छा, जो थैले जो बनाए क्या मकसद है आप लोग का इसमें? उसका यह मकसद है कि जो लोग प्लास्टिक के पॉलीथीन का यूज़ करते जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत पॉल्यूशन फैलाती है उसे इन्वायरमेंट को बचाना और लोगों को जागृत करना कि हम प्लास्टिक और पॉलीथीन की थैलों का यूज़ ना करें। आपने कितने थैले बनाए हैं? मैंने एक बनाया है। एक बनाया है। अच्छा, ये बताइए किस चीज़ से बनाया थैले आपने? घर पर जो पुराने कपड़े थे उससे बनाया आपने, पुराने कपड़ों से। अच्छा, क्यों बनाए आपने थैले? हम लोगों को जागृत करना चाहते हैं कि कोई पॉलीथीन यूज़ ना करे, सब कपड़े की पॉलीथीन यूज़ करें क्योंकि उससे बहुत सारे पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन में क्या होता है उसमें? जैसे अगर पॉलीथीन गिरी रहती है तो गाय खा लेती है, गाय को बीमारियां होती है और बहुत धुआं वगैरह सब बहुत होता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपने थैली बनाया है, लोगों में लोग और भी पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि हम मार्केट में जा रहे हैं तो हम कपड़े के बैग लेके जाएं और पॉलीथीन का बिल्कुल यूज ना करें। छात्र वकाश रजा बताते हैं कि पॉलीथीन पर्यावरण के लिए कितनी हानिकारक है, कैसे वह मिट्टी में मिलकर उसकी उपयोगिता को घटा देती है। इसलिए जैसे ही स्कूल से सर ने उन्हें पॉलीथीन मुक्त भारत की मुहिम में जोड़ने की बात कही वे तैयार हो गए। हमने यह थैले इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए जो झिल्ली हम इस्तेमाल कर रहे थे वो प्रदूषण फैला रही है। ये जो मिट्टी हम जो फेंक देते हैं, हम यूज़ करके ये झिल्लियों को हम फेंक देते हैं और ये अतर बारिश के मौसम में मिट्टियों में दब जाती है जिससे जो हमारा जो मिट्टी है और जो पेड़ पौधे इनसे से सब प्रदूषित हो रहे हैं। अच्छा, नुकसान हो रहे हैं पूरे? जी। ये बताइए और कितने थैले बनाए आपने? हमारे 2 क्लास सुबह लगती है, एक 9वीं और 10वीं, तो हम लोगों ने कम से कम 1000 थैले बना लिए। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हमें इसकी प्रेरणा हमारे क्लास के चौबे सर ने दी थी और हम इनकी बातों से ही जागरूक हुए थे। स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक लोकेश मिश्राम बताते हैं कि स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक अशोक चौबे की प्रेरणा पर सभी शिक्षकों ने मिलकर इस थैले बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाया, नतीजा आज सबके सामने है। हमारे आदरणीय प्राचार्य श्री तुरकर सर ने निर्देशित किया, पूरे टीचर स्टाफ को आदरणीय चौबे सर ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, पूरे क्लास टीचर पूरे टीचर्स इस मोमेंट में जुड़ रहे हैं। हम ये पद्मे सिटी के बल के माध्यम से पूरे बालाघाट को ये संदेश देना चाहते कि आप पॉलीथीन का उपयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये बच्चों ने जो थैले बनाए हैं ये हम 2 अक्टूबर को क्या है अम्बेडकर चौक में बहुत बड़ा प्रोग्राम है उसमें हम वितरण करेंगे, पब्लिक को थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे और उनसे शपथ पत्र भी भरवाएंगे कि आज से मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूँगा। तो ये मोमेंट बहुत ऊपर तक जाएगा और पूरे मीडिया का सहयोग हम चाहते हैं, आपका हमेशा सहयोग भी हमें मिलता रहा है और ये पूरा जो नो पॉलीथीन जो पूरे देश में जो 2 अक्टूबर को जो प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री के जी द्वारा जो कराया जाएगा उसका हम एक हिस्सा बनना चाहते हैं। बालाघाट को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम भी सभी लोग उससे जुड़े और पॉलीथीन का उपयोग हम ना करें। स्कूल के एक और वरिष्ठ शिक्षक अशोक चौबे बताते हैं कि वे बीते 35 वर्षों से पॉलीथीन के विरोध में अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। चंद रोज पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें यह खुशखबरी दी कि भारत को पॉलीथीन मुक्त करना है, फिर क्या था, उन्होंने उसी दिन से कोशिश शुरू की और पहला चरण अपने स्कूल में ही प्रारंभ किया, नतीजा आपके सामने है। मैं भी एक बहुत बड़े अभियान से प्रेरित हुआ, मैं लगभग पिछले 35 वर्षों से पॉलीथीन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रहा हूँ लेकिन मैं ये व्यक्तिगत तौर से चला रहा था। इस बार हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक विशेष कैंपेन मैंने देखा तो मैंने सोचा यदि उससे हम अपने विद्यालय के बच्चों को
और हमारे शिक्षक साथियों को जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो हम नगरवासियों पर डाल सकेंगे इसका। सर, ये बच्चों को जोड़ने का मकसद कहाँ से मिला आपको? जैसे मैंने देखा कि 2 अक्टूबर को प्लास्टिक फ्री इंडिया एक बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है, तो उस मूवमेंट में हमने हर क्लास के बच्चों से उनके कक्षा शिक्षकों के माध्यम से बात की कि क्या वो अपने घर में जो अनुपयोगी कपड़े हैं, अनुपयोगी दूसरे जो उनके पुराने पहनने के कपड़े हैं, वो उसको साफ करके क्या थैले बनाने के लिए वो उपयोग कर सकते हैं, क्या वो अपने घर में अपने माता पिता को बता सकते हैं कि हम इन थैलों को बनाकर नगरवासियों को बांटना चाहते हैं। और इसमें मैंने उनसे ये कहा था कि आप लोग 2 थैले बनाएं, एक थैला आपके घर में रहेगा और एक थैला आप अपने स्कूल में लाएंगे और अपने कक्षा शिक्षक के माध्यम से उन थैलों को इकट्ठा करेंगे और 2 अक्टूबर के दिन हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बच्चों के सहयोग से करने जा रहे हैं अंबेडकर चौक के पास। हम यहाँ पर नगरवासियों को इसका उपयोग बताएंगे, महत्व बताएंगे और ये बताएंगे कि यदि हम अपने घर के बने हुए कपड़ों के थैले उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक न एक बार ज़रूर सोचेंगे कि हम बाहर से जो पॉलीथीन लेकर आते हैं वो ना ला सकें। कलेक्टर दीपक आर्य इस पूरे विषय पर स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक और सभी बच्चों को बधाई देते हैं और कहते हैं कि वे बधाई के पात्र हैं। इतना अच्छा अभिनव कदम उन्होंने उठाया है कि पॉलीथीन का यूज पर रोक के लिए यह बहुत ही अनुकूल अनुकरणीय पहल हो सकती है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा रानी दुर्गावती विद्यालय के प्राचार्य को, समस्त शिक्षकों को एवं सबसे महत्वपूर्ण उनके बच्चों को जिन्होंने की यह अभिनव पहल की है पुराने कपड़ों से और जो थैले उन्होंने बनाकर दिए हैं। चूँकि प्रकृति के संरक्षण में आज के समय में पॉलीथीन का उपयोग प्रतिबंधित करना आवश्यक है। 2 अक्टूबर से वैसे भी सिंगल यूज पॉलीथीन के ऊपर प्रतिबंध लगने वाला है, तो एक सराहनीय प्रयास विद्यालय का, विद्यालय के बच्चों का है। मैं अनुरोध करूँगा बाकी सभी विद्यालयों से और अन्य सभी समाजसेवी संस्थाओं से कि इस प्रकार की पहल वो भी करें और जहाँ भी उन्हें लगता है कि कपड़े के थैले इत्यादि बनाकर वो दे सकते हैं कृपया जरूर वितरित करें। ये आपकी तरफ से पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम होगा। सर, ये देखा है कि टीचरों ने सीधे परिवार के जो मुख्य कड़ी जो रहती है उसे इस मुहिम से जोड़ा है। मैं वही सबसे अनुरोध वही करूँगा कि ये मूवमेंट अगर इसको मास मूवमेंट बनाना है तो टीचरों को और बाकी सभी को भी परिवार की अहम कड़ियों से, माताओं से उनकी मिलना होगा और मिलने के बाद ये चीज़ें बनानी होगी। निश्चित ही पॉलीथीन पर रोक की घोषणाएं चाहे दर्जनों बार हो गई हो लेकिन इस बार इन नन्हे बच्चों ने हमें बड़ों को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो पर्यावरण प्रदूषण की सोच को दूर रखते हुए लगातार पॉलीथीन का उपयोग करते जा रहे हैं। अब तो रुक जाए, अब तो पॉलीथीन से परहेज करें वरना वह दिन दूर नहीं जब हर प्रदूषण की वजह पॉलीथीन होगी। प्रण करें 2 अक्टूबर से पॉलीथीन मुक्त भारत में अपनी सहभागिता निभाएं। बालाघाट से पद्मेश न्यूज के लिए महेंद्र सिंह उइके की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चार लोगों की जघन्य हत्या करने वाले 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। लाल बर्रा के छिंदलई रेत घाट में हत्या के बाद छुपा दिए थे शव। टेकारी सरपंच पर प्राणघातक हमला, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। कार्य में लापरवाही, 2 प्रधान आरक्षक निलंबित, रिपोर्ट दर्ज करने में की थी देरी।
लालबर्रा के बाकोड़ा में वाहन से व्यक्ति की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने लगाए प्रदेश शासन पर आरोप। सामान्य सभा की बैठक में नहीं पहुंची जिला पंचायत सीईओ, सदस्य और अध्यक्ष ने जताया विरोध। वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल की पहल, छात्रों ने बनाए पुराने कपड़ों से बैग, पॉलीथिन मुक्त भारत में सहयोग की अपील। तो ये थी अभी तक की खास खबरें, अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।